अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अंडा घोटाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब कुछ अच्छा और टेस्टी खाने का मन करे और कुछ समझ में ना आए तो आप अंडा घोटाला बनाइए। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होता है। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, हसबे ज़रूरत नमक। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं और इसे बारीक बारीक मैंने काट लिया है। पाव भाजी मसाला 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर धनिया की पत्ती ली है। 2 टेबल स्पून अमूल मक्खन लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया। 2 अंडे लिए थे जिसे मैंने हार्डली बॉईल कर लिया और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, इसे भी रफली चॉप कर लिया। और एक मैंने अंडा लिया है जिसका हम ऑमलेट बनाएंगे बाद में। चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे अमूल मक्खन जो हमने वहाँ पर 2 चम्मच लिया था, तो इसमें से आधा हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब हमारा ये मस्का जो है मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और इसे जो है हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। और ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमें बस सॉफ्ट करना है। हल्का सा जब इसमें पिंक शेड आपको नज़र आएगा, जब ये हल्की सी पिंक होने लगेगी उस वक्त तक हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, कुछ 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है ये पिंक सी हो गई है, वो गोल्डन ब्राउन होने लगी है। हमें इसे पूरा गोल्डन नहीं करना, बल्कि बस इसी स्टेज पे हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 1 चम्मच भर के। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बल्कि 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे भून लें। तो ये देखिए हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम जो है कटा हुआ टमाटर डालेंगे और साथ में ही इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ और हसबे ज़रूरत नमक, आपको जैसा नमक पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है और कुछ 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से पका लें। इन टमाटरों को इतनी देर तक पकाना है कि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरीके से गल जाएं। और आपके पास अगर दाल घुटनी होगी तो आप इसे अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं और मैंने इसे इस तरीके से मैश कर। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/4 कप, आधे कप से भी कम पानी यहाँ पर हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से पानी के साथ इसे मिला लेंगे। और साथ ही इसमें हमने जो क्रश किया हुआ ग्रेट किया हुआ हमने जो अंडा लिया था वो अंडा भी इसमें डाल देंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से देखिए मिला लिया। अब इसमें हम डालेंगे अंडा ग्रेट किया हुआ, हमें सारा का सारा अंडा नहीं डालना, बल्कि 1/3 हिस्सा अंडे का डाल देना है और 1 थोड़ा सा हिस्सा हमने इसे सर्व करने के लिए बचा लेना है, वो बाद में काम आएगा। तो इसे ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिला लें, ग्रेट किए हुए अंडे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और इसका जो पानी आप देख रही हैं हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम पानी को हमने जो है 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेना है। इसके तमाम पानी को हमने खुश्क कर लेना है। तो आप देख सकती हैं ये देखिए इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल गाढ़ी और ठीक हो गई है। तो हमें बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, छोटी सी कढ़ाई में निकाल लिया है। और जो हमारा बचा हुआ मक्खन था वो इस पे ऊपर से डालना ना भूले, क्योंकि जब आप इसमें ये मक्खन ऐड करेंगे तो इसके जो जायके में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब जो हमारा 1 अंडा बचा हुआ था जिसे मैंने कहा था बाद में ऑमलेट बनाना है, तो मैंने थोड़ा सा ये ऑयल डाला और इसे आपको जो है लो फ्लेम पर इस अंडे को अच्छी तरीके से पका लेना है। जर्दी आपको हल्की कच्ची ही रखनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे पकाना नहीं है, हार्डली नहीं पकाना, बल्कि इसकी जर्दी को आप नरम रखिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और साथ ही इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास क्रश की हुई लाल मिर्च है तो आप क्रश की हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करिए, मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च का यहाँ पर इस्तेमाल किया है।
अब हम इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और ये जो हमने यहाँ पर ऑमलेट बना कर रखा है, इससे हम इस अंडा घोटाला के ऊपर अच्छी तरीके से रख देंगे, सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो हमारा बचा हुआ ग्रेटेड अंडा था, उसे भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से गार्निश कर देंगे और आप इसे गरम गरम पाव और नान के साथ सर्व करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।